तंत्र मंत्र के चक्कर में एक परिवार 15 दिन तक घर में बनी एक बच्चे की कब्र पर बैठकर रोता रहा और तांत्रिक अपने झांसे में लेकर परिवार को आश्वासन पर आश्वासन देता रहा और अंत में फरार हो गया। दरअसल मामला मुरादाबाद जनपद के कुनरकी थाना इलाके के ऊंचा कानी गांव का है, जहां के रहने वाले वरुण पुत्र बबलू ठाकुर 14 वर्षीय की घर में सोते समय सांप के काटने से मौत हो गई थी। वरुण को सांप ने काटा और उसके बाद परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों का मन नहीं माना और लोगों के कहने पर आकर परिजनों ने सपेरों और तांत्रिकों से संपर्क शुरू किया। कुछ सपेरों ने 2.5 लाख रुपए की रकम मांगी तो वहीं एक तांत्रिक ने 14 दिन में बच्चे को जिंदा करने का आश्वासन दे दिया। तांत्रिक के कहने पर घर में एक कब्र बनाई गई और बच्चे को उसमें दबा दिया गया। तांत्रिक द्वारा कई दिन तक तंत्र मंत्र किया गया। उसके बाद 14वें दिन कब्र खोलने की बात करते हुए वह वहां से चला गया। बच्चे के परिजन 14 दिन तक भूखे प्यासे कब्र के पास बैठकर रोते रहे और अपने बच्चे के जिंदा होने का इंतजार करते रहे। 14 दिन बीतने के बाद परिजनों ने जब तांत्रिक से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने उनका फोन नहीं उठाया। 15वें दिन जब वो आया तो ग्रामीणों को तांत्रिक पर शक हुआ। उन्होंने कब्र खोल डाली और जब कब्र खुली तो अंधविश्वास की आंख भी खुल गई। बच्चे के शव को देख ग्रामीणों के होश उड़ गए क्योंकि शव पूरी तरह से गल चुका था। परिजनों ने आनन फानन में बच्चे का अंतिम संस्कार किया। तांत्रिक के धोखे के बाद पूरा परिवार और गांव के लोग बेहद नाराज हैं। तकनीक के इस दौर में अंधविश्वास के चक्कर में फंसे लोग बेहद अफसोस में हैं। घटना ये हुई थी 9 तारीख को, एक सांप ने एक बच्चे को डसा था। उसे काफी जगह दिखाया, डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद इनके रिश्तेदारों ने बताया कि भाई तांत्रिक हमारी जानकारी में है, चलो वहां दिखा लेते हैं। उसने जो है फोन पे ही इनको बता दिया, बोले भाई गड्ढा करके उसे दबा देना। उसे जो है गड्ढा करके दबा दिया। फिर वो उसने बोला 3 दिन बाद आऊंगा। 3 दिन बाद वो आया था। उसके बाद उसने देखा, कुछ अपनी तंत्र विद्या करी, उसके बाद वो चला गया। बोले अब मैं 19 तारीख को आऊंगा। उसके बाद जाने के बाद उसने जो 18 तारीख से फोन उठाना बंद कर दिया। अब वो 18 तारीख से फोन नहीं उठा रहा। आज उसकी बॉडी को उखेड़ा गया तो सारी बॉडी डैमेज हो गई, पूरी तरीके से बदबू उसमें आने लगी। अंतिम संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार उसका कर दिया। गांव तांत्रिक कहाँ का था कुछ पता? अलीगढ़ साइड का था। नहीं मिल पा रहा है अब ना, कोई नंबर भी नहीं लग रहा, कोई संपर्क नहीं। पैसों की भी मांग कुछ तांत्रिक को लेकर? वो दूसरे वो थे सफेरे, वो उन्होंने बोला था, बोले 2.5 लाख रुपए हमें दो और बॉडी, हम जो ऐसे अपने ले जाएंगे ठीक कर लेंगे, ऐसा वैसा उन्होंने बोला था, लेकिन गांव के लोगों ने मना कर दिया। क्या लगता है आपको वो धोखाधड़ी करना? वो धोखाधड़ी है, सब कुछ ये बकवास है।